हाय गाइस, फाइनली मेरा न्यू ब्लॉग आ गया है। तुम जैसे सपोर्ट करते थे वैसे सपोर्ट करते रहो ताकि मैं आपके लिए नए नए कंटेंट लाऊं। तो चलो सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस, आज का अपना ब्लॉग होगा आरओ के ऊपर होगा, तो आरओ को मिलो। गाइस ये है आरओ ही, तो आज का मेरा ब्लॉग इसके ऊपर है। तो नवरात्रि के 2-3 दिन पहले मेरे से पीछे लगी थी कि दादा अपन गरबा खेलिया, दादा अपन गरबा खेलिया। तो मैंने सोचा कुछ सेटअप करते, तो जो भी मैंने सेटअप किया था इसके लिए किया था। तो गाइस आपको तो पता होगा लॉकडाउन का टाइम चालू है, तो बाहर की 10 सोसाइटी में गरबा अपन खेल नहीं सकते। तो उसके खुशी के लिए मैंने थोड़ा सेटअप घर पर किया था, छोटा सा स्पीकर वगैरह लगाया, तो आप देख सकते। गाइस तो हमने गरबा स्टार्ट ही किया था, 2-3 राउंड मारे हम लोग ने। तो अचानक से 3rd फ्लोर से आंटी आई और हमें बोलती है कि ये क्या मैदान में नाच कर रहे हो क्या, मेरा घर का ऊपर का पंखा हिल रहा है। ये कौन सा लॉजिक है, एक बार 1st फ्लोर से बोलते हैं कि हमारा पंखा हिल रहा है तो ठीक है, 3rd फ्लोर से आके आंटी बोलती है कि हमारा पंखा हिल रहा है, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ। तो गाइस आरोही गरबा खेलने ही आने वाली थी, तो उतने में वो आंटी आ गई तो चिल्लाने लगी, तो हमने गरबा स्टॉप कर दिया। देखा कैसे कैसे लोग होते हैं, किसी की खुशी किसी को देखी नहीं जाती। मैं तो वो बच्ची को खुशी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको भी वो हजम नहीं हुई। कोई कहता है तुम्हारा स्पीकर ख़राब होएगा, लेके जाओ, ये करो वो करो। तो आप गाइस कल मेरे साथ गरबा खेलने के लिए आजू भाई भी थे। देखा गाइस लोग ऐसे ऐसे होते हैं। गाइस मेरा ब्लॉग इधर ही एंड हो रहा है, तो मेरे ब्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और आपको कैसा लगा वो कमेंट में बता दो। बाय गाइस।